मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई से हजारों की संख्या में यूपी बिहार के मजदूर अपने गांव जाना चाहते हैं और हजारों की संख्या में ये मजदूर मुंबई नागपाड़ा वेलेसेस रोड पर इकट्ठा हो गए और अपने गांव जाने के लिए ट्रेन की मांग करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने मजदूरों को समझाने की कोशिश की मगर मजदूर मानने को राजी नहीं थे, जिसके बाद पुलिस ने मजदूरों पर लाठीचार्ज किया। दरअसल गांव जाने के लिए मजदूरों को पहले फॉर्म भरना होता है, मेडिकल कराना होता है और पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें ट्रेन से उनके गांव भेजा जाता है। हालांकि इसी नागपाड़ा इलाके में प्रक्रिया पूरी करने वाले मजदूरों को उनके घर गांव भेज भी दिया गया है, मगर जो मजदूर हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए थे इन लोगों ने कोई प्रक्रिया पूरी नहीं की थी और पुलिस से मांग कर रहे थे कि उन्हें अभी ट्रेन मुहैया कराई जाए ताकि वो अपने गांव वापस लौट सकें। पुलिस इन्हें काफ़ी देर तक समझाती रही लेकिन ये मजदूर समझने को राजी नहीं थे, जिसके बाद आखिर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और इन मजदूरों को वहाँ से हटाया गया। इसी तरह से सूरत की भी एक तस्वीर सामने आई है जहां मजदूर घर जाने के लिए उग्र हो गए और सड़कों पर उतर के पुलिस प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोल दिया। लॉकडाउन होने के बावजूद मजदूर सड़कों पर रैली निकालकर सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें उनके गांव भेजा जाए। ये मजदूर हाथों में बैनर लेकर सड़कों पर नारेबाजी कर रहे हैं कि इन्हें अपने गांव भेजा जाए। इस दौरान बड़ी संख्या में मौके पर पुलिस बल भी तैनात की गई और किसी तरह से इन लोगों को भी समझाया बुझाया गया। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।